कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पंडित सुखराम के परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंडित सुखराम को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है और भाजपा देश की चिंता करती है। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम ने अपने पोते की टिकट के लिए कांग्रेस और भाजपा में सौदेबाजी की, लेकिन भाजपा में सौदेबाजी का कल्चर नहीं है और कांग्रेस से सौदेबाजी कर उन्होंने आश्रय शर्मा को टिकट दिलवाया। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पंडित सुखराम के परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंडित सुखराम को अपने परिवार की चिंता है और भाजपा को देश की। उन्होंने कहा कि सुखराम के परिवार से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम ने विधानसभा चुनावों में भाजपा की लहर देखी और अपने बेटे अनिल शर्मा को भाजपा की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा भी भाजपा के टिकट पर ही विधायक बने हैं। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि पंडित सुखराम ने अपने पोते को टिकट दिलवाने के लिए कांग्रेस और भाजपा में सौदेबाजी की। उन्होंने कहा कि भाजपा में सौदेबाजी का कल्चर नहीं है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी 11 करोड़ से अधिक सदस्यता है। तो इसलिए पंडित जी, अनिल शर्मा जी, इनके आने जाने का भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपने परिवारों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी अपने देश की चिंता कर रही है। इसलिए इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान उनको लगता था कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित हुए और मंत्री बने। लेकिन उसके बाद यह है कि कहीं ना कहीं पर उनके यानी के बेटे ने जिस तरह से यानी के कांग्रेस में जा करके और टिकट के लिए दोनों ओर प्रयास करते रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट मांगते रहे और कांग्रेस में टिकट मांगते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी में कल्चर में इस प्रकार की कोई सौदेबाजी को स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में हर मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा, हर मोर्चे के हमारे सम्मेलन संपन्न हो रहे हैं और सबके सब बहुत सफल हो रहे हैं, क्योंकि हर वर्ग का योगदान लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए चाहिए। और आज यहाँ पर अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन हुआ है और जिसमें बहुत अच्छी उपस्थिति, और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर मतदान केंद्र से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता आए हैं। कोई मतदान केंद्र ऐसा नहीं जहाँ की उपस्थिति यहाँ पर नहीं है। और इसलिए और विशेष तौर पर वर्तमान में अनुसूचित जाति के वर्ग के बहन भाई भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक बढ़त देंगे, बहुत अच्छा मतदान करेंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।